मोदी जी से, देश के वित्त मंत्री जी से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से ये पूछा है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतने डर क्यों रहे हो, जवाब क्यों नहीं देते? हम आपके हैं कौन? अभी उस फिल्म का लगता है दूसरा पार्ट बना हुआ है और देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है सरकार से कि हम अडानी के हैं कौन, हर व्यक्ति यही पूछ रहा है कि भाई हम, हमारा उनसे क्या रिश्ता है कि हमारा सरकार एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे चल रही है और वो सिंगल पॉइंट एजेंडा क्या है कि जो भी अडानी पे सवाल पूछे, किसने पूछा? राहुल गांधी जी ने पूछा, संसद की कार्रवाई से उन सवालों को अलग कर दिया गया। जो भी अडानी के बारे में वक्तव्य दे, किसने दिया? कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया, उसको राज्यसभा की कार्रवाई से अलग कर दिया। सरकार को क्या लगता है कि आंखें बंद करने से सवाल छूट जाएंगे? सवाल तो आज भी जस के तस बने हुए हैं और ये आज की विशेष प्रेस वार्ता हम अडानी के हैं कौन सीरीज की प्रेस वार्ता है। AICC की ओर से देश भर के 23 शहरों में आज इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और मैं आज आपके सामने जो तथ्य और आंकड़े लेके आया हूं, दो बार तो जब मैंने निकाले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जबकि मैं अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं, पूर्ण जानकारी अर्थशास्त्र के ज्ञाता तो मोदी जी है। साथियों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि शेल कंपनियों से, विदेशी शेल कंपनियों से अडानी ग्रुप को पैसा मिला। हमने सवाल पूछा कि इस काले धन का असली मालिक कौन है, सरकार इसकी छानबीन क्यों नहीं कराती है, सरकार JPC क्यों नहीं कराती है? अरे संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत है, आपके सांसद ज्यादा होंगे, आप डरते क्यों इतना मोदी जी? और आपके डर को मिटाने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा करी, डरो मत, सत्यता के साथ खड़े रहो। आप JPC से क्यों भाग रहे हो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि टैक्स हेवन कंट्री से अडानी ग्रुप को पैसा मिला, उस पैसे का असली मालिक कौन है? विदेशी शेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है? अरे बात तो आपने करी थी 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि 2021 में 30,500 करोड़ रुपया और 14 साल का अधिकतम पैसा स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा है। हमको कहा गया स्विस बैंकों से पैसा आएगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाएगा और सच्चाई यह है कि स्विस बैंकों में जमा अपने 14 वर्ष के अधिकतम मूल्य पर है। तो JPC से मोदी जी डरो मत, क्यों क्यों डर रहे हो और किसे बचाना चाहते हो? दूसरा, जब यह सब धोखाधड़ी हो रही थी और मैं आपको आंकड़े दूंगा, तो भारत की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, वो सेबी सो क्यों रही थी, किसके दबाव में सो रही थी? मैं आपको कुछ डाटा देता हूं। 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच, मतलब 25 दिन के अंदर अडानी ग्रुप का 10.5 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ इज इक्वल टू 10.5 ट्रिलियन अडानी ग्रुप की मार्केट कैप में कमी आई। सेबी ने कोई जांच नहीं की, किसका पैसा डूबा? उन छोटे छोटे निवेशकों का पैसा डूबा जिन्होंने बड़े हुए भाव में अडानी कंपनी के ग्रुप के शेयर खरीद लिए, उसके भाव आधे हो गए, सेबी खामोश बैठी हुई है। जब हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष JPC की मांग करते हैं तो उस मांग को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो खुद आज मार्केट में अपना इंश्योरेंस कराने के लिए घूम रही है कि भाई मेरा कोई इंश्योरेंस कर दो,
क्योंकि उसकी हालत अडानी ग्रुप ने यह कर दी, और डाटा के साथ आपको बात करूंगा। 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए का निवेश एलआईसी का अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी में था। कब था? 30 दिसंबर। 15 फरवरी अर्थात डेढ़ महीने के अंदर 83,000 करोड़ हो गया 39,000 करोड़, मतलब डेढ़ महीने में एलआईसी के 44,000 करोड़ स्वाहा। कौन है एलआईसी का मालिक? वो हर व्यक्ति है, वो हर छोटा छोटा सेविंग करने वाला आदमी है जो अपनी छोटी सेविंग एलआईसी की पॉलिसीज में डालता है। 30 करोड़ पॉलिसी धारक है, उन 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का 43,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में जो एलआईसी ने निवेश किया था वो कमी हो गई। उसका 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 दोषी कौन है? मोदी जी और सेबी ये जांच में जांच से क्यों भाग रही है? और तो और अडानी ग्रुप ने जब एफपीओ, जिसको हम कहते फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब एफपीओ इश्यू किया तो एलआईसी ने 300 करोड़ उसमें इन्वेस्टमेंट का भी हामी भर दी। अब आप बताइए किसी कंपनी के डेढ़ महीने में 44,000 करोड़ रुपए की जो जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आ गई, वो कंपनी 300 करोड़ रुपए एफपीओ में इन्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती, और सेबी और वित्त मंत्रालय खामोश बैठे हैं। हम सवाल पूछते हैं तो उसको कार्रवाई से हटा देते हैं। तीसरी बात, और बहुत गंभीर बात बोलने वाला हूं, 2001 में केतन पारेख के जो घोटाला हुआ था उसमें जेपीसी हुई थी। उस जेपीसी में यह कहा गया कि अडानी समूह के प्रमोटरों ने शेयर बाजार में हेर फेर करने में सहयोग दिया। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि एक कंपनी जो 2001 में केतन पारेख के घोटाले वाले समय से उसको बताया गया कि इसने शेयर बाजार के भाव में उतार चढ़ाव में फेरबदल के लिए एक घोटाला किया, उस कंपनी भी कोई जांच नहीं कराना चाहती? एलआईसी का पैसा 44,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई, सेबी खामोश, वित्त मंत्रालय खामोश, प्रधानमंत्री खामोश, 10.5 लाख करोड़ रुपया छोटे निवेशकों का डूब गया, अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में कमी आई, वित्त मंत्री खामोश, आरबीआई खामोश, सेबी खामोश। इसीलिए देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है हम अडानी के हैं कौन। साथियों यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मित्र काल चल रहा है, अमृत काल सरकार बोलती पर यह अमृत काल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्र काल है। और इस मित्र काल में मित्र काल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? अडानी जी एक बिजनेस में एंटर करते हैं, भारत सरकार उसके 6 महीने बाद उस बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नया योजना, एक सब्सिडी, एक नई स्कीम लेके आ जाती है। उदाहरण देता हूं साथियों आपको, 1 फरवरी को मित्रकाल का बजट आया, 50 हवाई अड्डे नए अनाउंस हुए, किसको संचालन में जाएंगे हमें पता है। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि अब मुझे हाइड्रोजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को 4 जनवरी 2023 को मंजूरी दे दी और 19,744 करोड़ रुपए का उस पर एलोकेशन हो गया। पहले अडानी स्कीम अनाउंस करता है कि मैं इस एरिया में जाऊंगा, उसके बाद भारत सरकार फंड एलोकेट कर देती है। ये संयोग है या प्रयोग है, हम देश के हर व्यक्ति से, हर व्यक्ति की ओर से सरकार से पूछना चाहते हैं। हवाई अड्डों की बात कर लेते हैं, 6 हवाई अड्डों के संचालन के लिए टेंडर आए 2019 में, 6 के 6 एक साथ अडानी को चले गए। बैकडोर से देश का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट बॉम्बे एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट कौन संचालित कर रहा है? अडानी ग्रुप। चलो अब बंदरगाह की बात कर लेते हैं, देश के 13 बंदरगाह और टर्मिनल को अडानी नियंत्रित करता है, और देश की बंदरगाह क्षमता का 30% संचालन अडानी कर रहा है, अडानी ग्रुप, और 40% जो कंटेनर की आवाजाही है उसका संचालन अडानी ग्रुप कर रहा है।
मतलब देश में 30% जो पोर्ट मैनेजमेंट है वो अडानी ग्रुप के कंट्रोल में है, 40% जो कार्गो मूवमेंट है, जो कंटेनर मूवमेंट है, उसका संचालन कर रहा है अडानी। और तो और, जब एक पोर्ट में जिसका नाम है दीघी पोर्ट, सी पोर्ट है दीघी का, वहां पे जेएनपीटी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने उस दीघी पोर्ट के लिए बिड भरी संचालन के लिए, उसको मिल भी गई, आनन फानन में पता नहीं क्या हुआ, वित्त मंत्रालय और जो जो सी जो वाटर फेयर मंत्रालय है उसने कहा, जहाज रानी मंत्रालय जिसको कहते हैं, उसने उस बिड को वापस ले लिया, वो भी अडानी जी को चले गया। मतलब बिड मिल गई जेएनपीटी को, पर जेएनपीटी ने कहा अब मेरे से ये नहीं होगा, और वो ही अडानी जी को चले गया। चलो रक्षा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी गए 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल, और जैसे ही वो गए इजराइल से अडानी का एमओयू हो गया, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, छोटे हथियार मैन्युफैक्चरिंग। देखो एयरपोर्ट, पोर्ट, रक्षा। चलो विद्युत की बात कर लेते हैं। यूपीए ने 2010 में बांग्लादेश सरकार से एमओयू किया कि हम 1320 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। जैसे ही मोदी सरकार आई, ये थर्मल पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा में लगाने का काम अडानी को मिल गया। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का विषय हो, भले ही वो पानी हो, आकाश हो, अग्नि हो, हम कहते हैं ना पंच महाभूत, ये पंच महाभूत को कंट्रोल कर लिया अडानी ग्रुप ने। अब ये संयोग है कि प्रयोग है, और हम किसी व्यक्ति के 609वें स्थान से दूसरे स्थान के अमीर बनने के खिलाफ नहीं है, पर क्या हम देश के स्ट्रेटेजिक इश्यूज को, जिसमें रक्षा, जिसमें पोर्ट्स, जिसमें एयरपोर्ट्स, क्या उसका संचालन हम एक एक प्राइवेट ग्रुप को दे दें, और ऐसा प्राइवेट ग्रुप जिसको 2001 के चेतन पारिक घोटाले में सेबी ने पता लगाया कि इन्होंने शेयर बाजार में हेरफेर की, क्या ऐसे ग्रुप को देना उचित है? क्यों सेबी और क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खामोश है? क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री खामोश है? और तो और, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि 2014 से पहले अडानी जी, प्रधानमंत्री जी अडानी के हवाई जहाज में घूमते थे, और 2014 के बाद अडानी जी मोदी जी के हवाई जहाज में घूमते हैं, और जहां जहां मोदी जी विदेश में जाते हैं, जैसे ही वापस आते हैं, वहां से एक बड़ा काम अडानी को मिल जाता है। मैंने उदाहरण दिया आपको इजराइल, मैंने आपको उदाहरण दिया बांग्लादेश, और मुझे ये बताइए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में अडानी का क्या अनुभव है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अडानी का क्या अनुभव है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट में अडानी का क्या अनुभव है, थर्मल पावर मैन्युफैक्चरिंग में अडानी का क्या अनुभव है? तो ये संयोग नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये क्लियर कट प्रयोग है, और ऐसा प्रयोग है जो आपने, मैंने आपको पहले भी कहा, जिससे LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत के छोटे निवेशक है, उनका पैसा डूब रहा, और ये जो बिजनेस जो अडानी को जा रहा है, ये अगर अडानी को नहीं जाता तो कौन करता साथियों? देश का MSME करता, जो देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, देश के स्टार्टअप्स करते। अगर ये ड्रोन का काम अडानी को नहीं जाता तो जो स्टार्टअप्स पिछले 20 साल से 10 साल से इस टेक्नोलॉजी को ट्रैक कर रहे हैं, उनके पास ये काम जाता, पर ये काम उनको नहीं गया, ये काम गया अडानी को। तो हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मोदी जी से, देश के वित्त मंत्री जी से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से ये पूछा है कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, इतने डर क्यों रहे हो, जवाब क्यों नहीं देते? हमारे सवालों को कार्रवाई से निकालने से सवाल खत्म नहीं होंगे, सवाल तो और वहां जस के तस खड़े हैं। और जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि आप जितना भी सच को दबाने का, कुचलने का प्रयास करोगे, सच उतना ही तेजी से उफन उफन कर बाहर आकर बोलेगा कि हम अडानी के हैं कौन। सच बार बार ये पूछेगा आपसे कि सेबी देश LIC के जब 44,000 करोड़ रुपए की कमी आई
तो सेबी चुप क्यों थी? एफपीओ में 300 करोड़ रुपया एलआईसी इन्वेस्टमेंट को क्यों तैयार हो गई? 10.5 लाख करोड़ रुपया छोटे निवेशकों का क्यों डूबा? ऐसी कंपनी जो 2001 से टेंटेड है, उस कंपनी को स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बिजनेसेस भारत सरकार ने क्यों दे दिए? जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के इश्यूज है उसमें मोनोपोलीज एस्टेब्लिश करने की अप्रूवल भारत सरकार ने क्यों दी? तो इसी बारे में हमने आज की विशेष प्रेस वार्ता रखी थी साथियों। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।